भारत की सबसे फेमस कार बनाने वाली कंपनी टाटा मोटर्स की शानदार कार अब लॉन्च के लिए तैयार हो चुकी है और भारतीय बाजार में टाटा मोटर्स की माइक्रो एसयूवी एचवीएक्स को इस साल के अंत तक लॉन्च कर दिया जाएगा और यह गाड़ी कई बड़ी कंपनियों की गाड़ियों को टक्कर देने वाली है। लॉन्च के बाद इस गाड़ी की सीधी टक्कर मारुति सुजुकी की आने वाली नई सब कॉम्पैक्ट एसयूवी और महिंद्रा की केयूवी 100 से रहेगा। प्रोडक्शन रेडी मॉडल को स्पाइक किया गया है। दोस्तों, कुछ रिपोर्ट्स तो दावा भी कर रही हैं कि एचवीएक्स का डेब्यू नेक्स्ट मंथ होने वाला है। टाटा मोटर्स बहुत लंबे समय से डोमेस्टिक मार्केट में एचवीएक्स को, जो कॉम्पैक्ट बेस माइक्रो एसयूवी है, उसकी जोरों जोरों से टेस्टिंग कर रही है। अगर आपने अभी तक कार ऑटो शो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को जरूर दबा देना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। और साथ ही में बताया जा रहा है कि इस गाड़ी को मार्केट के अंदर टमैरो के नाम से बेचा जाएगा, जो कि हाल ही में कंपनी ने ट्रेडमार्क करवा लिया है, जिससे कि कंपनी इसको टमैरो के नाम से बेच सकती है। टाटा एचवीएक्स का प्रोडक्शन मॉडल पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। मार्केट में मारुति सुजुकी वैगनार और यहां तक कि हुंडई की गाड़ियों को जबरदस्त टक्कर दे सकती है। और जानकारी के अनुसार एचवीएक्स का लॉन्चिंग जो टाइम होने वाला है वो दिवाली से पहले होगा। इसको दिवाली के शानदार मौके पर लॉन्च किया जा सकता है और टाटा इस गाड़ी को शानदार ऑफर के साथ लॉन्च कर सकती है, जिसका प्राइस 3.5 लाख से लेकर 4 लाख रुपये तक हो सकती है और आप इसकी बुकिंग 10,000 रुपये देकर भी करवा सकते हैं। और बताया जा रहा है कि टाटा एचवीएक्स में आपको शानदार फीचर्स और नई टेक्नोलॉजी के साथ ही देखने को मिल सकती है और गाड़ी में आपको फ्रंट लुक में काफ़ी ज़्यादा शानदार लुक्स देखने को मिल सकता है, जो काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लग रहा है, जिसको आप देखेंगे सामने फ्रंट में। और इसके फ्रंट में आपको डे टाइम रनिंग लाइट्स के साथ में एक अग्रेसिव हेडलैम्प्स देखने को मिलेंगे, जो कि ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग के साथ दिखाई देंगे और साथ ही इसमें आपको क्रोम की फिनिश और टाटा की सिग्नेचर ग्रिल देखने को मिलेगी। और वहीं बैक साइड में आपको इसमें हॉरिजॉन्टल LED टेल लैम्प और उसी के साथ में इसमें आपको टमैरो की बैजिंग और साथ ही में आपको इसमें डुअल टोन पेंट्स का कलर भी देखने को मिल सकता है और साथ ही में आपको इसमें 16 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील देखने को मिलेंगे, जो काफ़ी ज़्यादा कूल लगती है अपने सेगमेंट के हिसाब से। और साथ ही में कंपनी इसका इंटीरियर भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम रखने वाली है। इसमें आपको गाड़ी के इंटीरियर में फुल्ली लेदर इंटीरियर और काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम और स्पेशियस होगा और इस गाड़ी में आपको 4 से 5 सीटर कैपेसिटी देखने को मिलेगी और साथ ही में इसमें आपको एम्बिशन लाइट और शायद इसके अंदर कंपनी सनरूफ भी दे सकती है, लेकिन आई थिंक कंपनी सनरूफ नहीं देगी क्योंकि ये काफ़ी छोटी होगा एसयूवी होने वाली है, तो इसके अंदर सनरूफ आपको नहीं मिलेगी। और साथ ही में इसमें आपको 10 इंच का और साथ ही में इसमें आपको 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा। इसके साथ में ही आपको एप्पल कारप्ले ने कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। और इस गाड़ी को बनाते वक्त टाटा की इंस्पिरेशन थी राइनो और आप खुद सोचो यार, जब इसकी इंस्पिरेशन राइनो है तो गाड़ी कितनी धांसू होने वाली है। और आप इसके स्टीयरिंग व्हील पे एक राइनो की फ़ोटो भी देख सकते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। और इस गाड़ी की लेंथ, हाइट और विड्थ की बात करें तो इस गाड़ी की लेंथ है 384 mm और हाइट है इसकी 1635 mm और इस गाड़ी की विड्थ है 1822 mm। और इस गाड़ी के इंटीरियर में आपको अल्ट्रोज और नेक्सॉन वाला ही 7 इंच का टच स्क्रीन मिलने वाला है, जो कि इस सेगमेंट में बेस्ट है। और इसके अंदर आपको आयरा कार कनेक्टिविटी मिलने वाली है और इसके अंदर आपको डिजिटल और अनलॉक वाला दोनों ही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने वाला है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कूल लगता है इस सेगमेंट के अंदर। और इसके अंदर मिलने वाले इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो इसके अंदर 1.2 लीटर का 50 वाला